अरे जीवन, कालू, रामजी, अरे क्या कर रहे हो आप सब लोग? अरे मेरा बेटा सूरज आ रहा है, सूरज। अरे लाला, लाला क्या कर रहा है तू? ओ हो, उम्बा, बाकी मुनीम जी, ये आपकी बेटी लीला है ना? हाँ। उसका कहना पड़ेगा। अच्छा, लड़की किसकी है? मेरी लड़की है, मेरी। पर बुरा मत लगाना, मुझे सच बोलने की आदत है। मैं आपकी बेटी को और आपको जब देखता हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप सच में उसके बाप हो? हैं? चुप, तू ज्यादा मत बात बोल, अपना काम कर चल। अरे भाई, छोटे ठाकुर आने वाले हैं, उसके स्वागत करने की तो यही सब तैयारी चल रही है। हाँ, अभी आप भी कुछ काम कर लो, खाली किताब लिखने से कुछ नहीं होगा। ये लो हार। अरे लाला, मुनीम जी। हाँ। अरे हाँ, ये क्या कर रहे हो आप दोनों? अरे मेरे बेटे सूरज के आने की तैयारी हो रही है। हाँ। ये दोनों क्या खेल खेल रहे हो? अलाला अलाला सुन। हाँ। और तू अंदर जाके सूरज की माँ की मदद कर दो। हाँ। हाँ। और मुनीम जी, आप अपने हाथ से ही हार लगा दो। हाँ, हाँ। हाँ। बाकी मुनीम जी, आपकी लीला मतलब तो ओ हो। अरे माँ जी, आप कहाँ रोटी बनाने बैठ गए? अरे आप कहो ना तो अभी लीला को बुला लाता हूँ। अरे लीला तो रोज रोटियाँ बनाती। हाँ। है, मुनीम की बेटी है। हाँ। पर माँ जैसी मेरी सेवा करती। हाँ, है वो तो बरोबर है ना। आज तो मैंने ही उसे यहाँ ना कह दिया है। आज मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद बाहर गांव से आ रहा है ना। हाँ। मेरे ही हाथ का खाना खाने की उसे आदत है। हाँ, आप देख लेना, आने के साथ ही तुरंत कहेगा, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे मणिलाल, अरे हिसाब लिखने में आपने पूरी जिंदगी निकाल दी है, अब ये पसीना निकालने की बात आई तो पाँव कांपने लगे, पानी में बैठ गए। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, मैं कर लेता हूँ। मुझे टेके की जरूरत नहीं है, खाली पीली मुझे गिरा दोगे। आराम से, आराम से। अरे 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 संभालो। ये देखो, ये देखो। आपको वैद्यराज ने काम करने से मना किया है ना, क्यों ये सब काम खुद से कर रहे हो? कहाँ है घर के नौकर चाकर, कहाँ गए भला? आराम जरा भी नहीं करते आपको। मतलब आपका कहना ये है कि मेरा बेटा आ रहा है और मैं पलंग पे पड़े पड़े आराम करूँ? तो फिर आप रोटी बनाने खुद क्यों बैठ गए? बोलो, जवाब दो। वो तो बापू, ये छोटे ठाकुर आएंगे ना तो उसके लिए रोटी बनाने वाली ढूंढ लेंगे जल्दी से। ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ढूंढ ली है। रामपुर के ठाकुर पृथ्वी जी की बेटी। सुन रहे ठुकराइन, ठाकुर विजय सिंह का बेटा सूरज आ रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा कि वो अगर आ जाए तो राधा की जोड़ी उसके संग कर दे। जब देखो तब मेरी बेटी करते रहते हो। अब जब उसे मंडप में बिठाकर किसी की बहू बनाने की बारी आई है तो तब वो पराए घर की जिम्मेदारी किस तरह से संभालेगी? ठाकुर विजय सिंह के घर को तुम मामूली घर मत समझो ठकुराइन। आपकी बात सच है, पर दुनिया के हर एक बेटी को ससुराल जाने से पहले सारे संस्कारों को सीख लेना चाहिए। सुख और दुख समझ में आना चाहिए। वरना मस्ती के बदले अगर कोई मुसीबत आ गई तो जान खतरे में गिर जाएगी। अरे तुम ये बेटी के दुखों की बात मत करो ठकुराइन। अरे बेटी बाप के घर में जब होती है तो वो तितली की तरह चारों ओर पंख फैलाकर उड़ सकती है, और जैसे ही वो ससुराल के बंधन में बन जाती है बस बिना पंख के तितली जैसी हो जाती है। मगर एक बात है, वहाँ उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो वहाँ अपने आप सारी जिम्मेदारियाँ ले लेती है, सुख में दुख में सब कुछ अपना सीख लेती है खुद अपने आप। मगर एक बात कहूँ ठकुराई, विजय चाहे उसे जितना भी प्रेम दे दे, मगर पिता का घर होता है। ये सारी बात सच है, लेकिन आप खुद जाकर जानकारी लेकर आओ कि वो है कहाँ। Oh,
की रानी हूँ, मैं रूप छलक जाए। ए रूप रंग की रानी हूँ, मैं रूप छलक जाए। धक धक दिल धड़के जो बन यू छलकाए, मेरी पतली कमरिया लचकाए। राम राम छोटे ठाकुर। राम राम। मेरा नाम रणछोड़, ये मेरी छोटी बहन। यहाँ कैसे आए आप? ये तेरी छोटी बहन? हाँ। ये तो कल वो ग्वालन के साथ। ठाकुर साहेब, वो ग्वालन नहीं थी, वो तो ठाकुर पृथ्वी सिंह की बेटी थी। ठाकुर पृथ्वी सिंह की बेटी ग्वालन के भेष में? हाँ, मस्ती खोर बेटी है, जो मन में आए वही करती है। अब तो आती ही होंगी। अच्छा, अभी आनी ही चाहिए। अब समझा। ए ग्वाला, तुम्हारे भेड़ बकरियों को बीच में से हटाओ। कहती हूँ बीच में से हटा दो। अब भूल जा, कहता हूँ भूल जा। ये तेरी गधा गाड़ी घोड़ा गाड़ी को पीछे हटा दे, मेरे घेटे बकरे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अरे अभी तो मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, तब तो चलो, आज आपको भी पहचान लेते हैं। अरे ओ जान पहचान वाले, ज्यादा पकड़ पकड़ मत करना, नहीं तो वरना क्या? आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे मैं तो एक ग्वालन को पाने के लिए ग्वाला बना था। बाकी मैं तो ठाकुर विजय सिंह का बेटा हूँ, सूरज। सूरज? हाँ राधा, सूरज। Thank you.
सुन ले गोरी दिल की बात, तेरे बिन नहीं दिन रात, सुन ले मेरी बात। दिल मेरा दिल है चोरी हो गया, दिल मेरा दिल है चोरी हो गया। रंगीली ओ रानी तू मेरी दिल जानी, तुझको ही चाहे हाँ देख ल प्यासी मेरी जवानी, हाय हाय प्यासी मेरी जवानी। हाँ जानू मैं तेरी सारी बात, मैं तो जानू खेल चुबेला तू हिर सीला, दिल की बात में जानू तेरी, दिल की बात में जानू। गोरी दिल की बात, तेरे दिन नहीं दिन रात, सुन ले मेरी बात। दिल मेरा दिल है चोरी हो गया, दिल मेरा दिल है चोरी हो गया। कंगन तेरी खन 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 के जान ये ले जाए, पायल तेरी छन 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 के चुनरी ये लहराए, हाय हाय चुनरी ये लहराए। सुन ले गोरी दिल की बात, तेरे दिन नहीं दिन रात, सुन ले मेरी बात। दिल मेरा दिल है चोरी हो गया, दिल मेरा दिल है चोरी हो गया। दिल मेरा दिल है चोरी हो गया, दिल मेरा दिल है चोरी हो गया। दिल मेरा दिल है चोरी हो गया, दिल मेरा दिल है चोरी हो गया। दिल मेरा दिल है चोरी हो गया। ठाकुर आए, ठाकुर विजय सिंह के घर से एक फरमान आया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए सूरज और राधा की शादी जल्द ही करानी पड़ेगी अपने को। हाँ। मगर ये राधा समझाना पड़ेगा इसे। अभी तक तुम्हारी आंखें कहाँ खुली है? हाँ? सुबह होते ही वो बाहर निकल जाती है। बापू, बापू आप चिंता में दिख रहे हो। तुम्हारे बगैर किस बात की चिंता हो सकती है भला, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बेटी, आज तक मैं तेरे हर बात को मानता आया हूँ, आज तू मेरी एक बात मानेगी? बापू क्या कहना चाहते हो, मैं समझ चुकी हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटी देखा, मैं कहता ना था ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। पिता का सर कभी नीचा होने नहीं देगी। मैं आज ही विजय सिंह के घर संदेश भिजवाता हूँ। बापू, ठाकुर पृथ्वी सिंह की तरफ से जवाब आ गया और शादी की तारीख तय करने के लिए कल ही अपने यहाँ पे आ रहे।
शादी की तारीख तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नजदीक की ही होगी, इसीलिए हमें तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। आस पड़ोस के रिश्तेदारों को भी तो बुलाना है ना ठकुराइन। हाँ, आज जब आप बातें निकाली है तो पिछले कितने दिनों से मेरे मन में एक बात घुट रही है। हाँ बोलिए ना। मुझे लगता है कि इस प्रसंग में हम भरत सिंह और उसके पूरे परिवार को यहाँ बुला ले तो। अरे पर। अरे दूसरी जात में शादी की थी इसलिए दादाजी ने उसे घर में से निकाल दिया था, पर मुझे लगता है कि उसे जो सजा होनी चाहिए वो हो चुकी है। मुझे लगता है कि उसे कल यहाँ पे बुला लेना चाहिए, हमारे साथ इस हवेली में रखना चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि इस हवेली में भागीदार बनेगा वही ना। नहीं ऐसे नहीं। हाँ तो बनने देना, और कल अगर मैं ना रहा तो। ऐसे अशुभ बातें मत करो आप। आपको जिसे बुलाना है उसे बुला लो बस। माँ बाबूजी किसे बुलाने की बात कर रहे हैं? अरे तो बेटा तुम्हारे शादी की तारीख तय करने के लिए कल ठाकुर पृथ्वी सिंह आ रहे हैं ना। हाँ। तो तुम्हारे पिताजी इस शुभ घड़ी पर तुम्हारे भरत काका और उसके परिवार को बुलाना चाहते हैं। ओहो, इससे अच्छा क्या होगा, कितने सालों बाद चाचा चाची और भाई को मैं मिलूंगा। बाबूजी आप चिंता जरा भी मत कीजिए, मैं आज ही संदेशा भिजवा देता हूँ कि वो लोग कल ही आ जाए। देख लीला, कल दोनों ठाकुर मिलने वाले हैं और सूरज भाई की सगाई पक्की हो जाएगी, फिर उन दोनों की शादी होगी, फिर उनके वहाँ बच्चे होंगे। पर हम दोनों 50 साल के होंगे ना, तब तक यहाँ बैठ के मंजीराई बजाते रहेंगे। तो तुम ही कुछ करो ना। हाँ। मेरे पापू तो ऐसा दूल्हा ढूंढ रहे हैं जिसे नाम तो भी लिखना आता हो, इसलिए उनको खाता लिखने में मदद हो जाए और फिर वो घर जवाई बनकर भी रह जाए। अरे वो तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे के अपने लिए? अरे ये लाला सेठ अगर घर जमाई बन जाएंगे तो उसकी तो इज्जत गई। तो कोई रास्ता निकालो ना। रास्ता तो निकालते हाँ? वो देख तेरा बाप है ना अकेला है, बिन बीवी का है, इस गंगा बुआ को उसके साथ भिड़ा दिया तो। लाला लाला तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? अबे मेरा दिमाग तो एकदम सही है और धनठनाट चल रहा है। हाँ तू देख मैं क्या करता हूँ, तेरे बाप को तू पहचानती है ना, उससे ज्यादा मैं पहचानता हूँ। हाँ हाँ तू देख अभी देख कैसे गंगा बुआ से बात करता हूँ। ओहो गंगा बुआ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ तो अभी क्या चल रहा है? क्या चलेगा, ये भगवान का नाम लेते लेते मरने की रात देख रही है। अरे 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 गंगा बुआ आप ऐसा अशुभ बोलो मत। अरे अभी तो आप एकदम छोटी सी बच्ची हो, अरे आपके चेहरे पे तो अभी एक भी झुरिया नजर नहीं आ रही है। अरे अभी ये आप भगवान की माला लेके घूम रहे हो, वैसे ही वो मणिलाल मुनीम है ना, वो आपके नाम की माला घुमा रहे है। अरे रहने दो, उस विश्वासघाती का मेरे सामने नाम मत लो। अरे वो पागल बचपन में मेरे साथ घर घर खेलता था। हाँ। और जवानी में मुझे छोड़ दिया। मैं पूरी जवानी कुंवारी रही, पर देखो ना आखिर भगवान ने उसे विदुर बना ही दिया। हाँ। ना पर इस बात का तो उसे बहुत दुख है। हाँ? आपको उसने जो धोखा दिया है ना उसका उसे बहुत पछतावा है, इस बात से वो बेचारा दुखी हो रहा है। पर अब वो तुम्हें दगा नहीं देगा, बस आप एक बार अपना बड़ा मन रख के उसे माफ कर दो, फिर से वापस घर घर खेलो, फिर देखो। लगन बहुत अच्छा है, सारे मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, मगर थोड़े ही दिन बचे हैं। तब तो ठाकुर सगाई की मगजमारी करने से अच्छा है जब दोनों कुटुंब जमाई हुए तो मुंह मिठाई कर लेते ना, तो सगाई हो गई समझ लो। वाह ठाकुर जी वाह, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। हाँ और वैसे भी हम दो कुटुंब कहीं तो अलग है क्या? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी किसी गैर के घर नहीं जा रही है, इस घर से उस घर जा रही है मेरी बेटी। तो फिर बापू अच्छे काम में देरी किस बात की, यहाँ जितने भी है सबके मुंह मीठे करवा देते तो सगाई हो गई समझ लेंगे। और ये घड़ी भी बहुत ही उत्तम है। श्री गणेशाय नमः। आज की शुभ मुहूर्त पे ठाकुर विजय सिंह का बेटा सूरज की सगाई ठाकुर पृथ्वी सिंह की बेटी राधा के संग तय हुई है। ये लीजिए महाराज मुंह मीठा कीजिए। हाँ।
सगाई के शुभ प्रसंग पे मैं दूसरी जाहिरात भी करना चाहता हूँ। मेरी सारी जायदाद के वारिस मेरा बेटा सूरज नहीं पर मेरी ये बेटी राधा होगी। भाई शादी के बाद बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी देने के बजाय घर में आने वाली लक्ष्मी का मैं शादी से पहले ही सम्मान करना चाहता हूँ। मेरी बेटी की उज्जवल भविष्य, मगर आपने एक बाप को भी हरा दिया। हाँ ठाकुर, आपको सोचिए मत, क्योंकि थोड़े ही दिन बाकी है, कर लो शादी की तैयारी। राधा बेटा आशीर्वाद ले लो। हाँ बापू। अखंड सौभाग्यवती भव बेटा। सुखी रहे बेटा। चले फिर ठाकुर जी, हमें आज्ञा दीजिए। बेटे मेहमानों को छोड़ के जी आइए। पिताजी आना बहन। लो मुनीम जी मुंह खोलो, तुम्हारा भी मीठा करवाता हूँ। तो ये आपने मुंह खोला और मुंह में मिठाई आ गया। हाँ लो, चलो। ठकुराई आज मेरी जिंदगी के सारे काम पूरे हो गए। हाँ, ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही सलामत हो गया। अब भाई भरत सिंह का संदेश आया था कि पहुँच रहा हूँ, पर अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं रास्ते में उसे तकलीफ तो नहीं हुई होगी? अरे भरत सिंह नाम है मेरा, हर बला को पानी में उतार देता हूँ मैं, मगर आज ये गाड़ी पसीना निकाल दिया मेरा। हाय हाय, ये तुम बाप बेटों को दोनों को शर्म है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे ये वीरान रास्ता देखकर घबराहट हो रही है। अंदर बैठी बैठी क्या बकवास कर रही हो? बापू अब मुझसे धक्का नहीं लगाया जाएगा, माँ को बोलो धक्का मारे। हे भगवान, कैसा कलयुग आया है, कलयुग। अरे माँ कौशल्या और देवकी के बाद जो ऐसे लड़के पैदा करोगी तो क्या सतयुग आएगा? हाँ, वैसे भी तुम दशरथ का अवतार। चुप रहो अब, बंद मुट्ठी लाकी। हाँ माँ बाबूजी, अब आप दोनों झगड़ा करना बंद करो ना। अरे घर हो या बाहर हो, आप दोनों ही चालू हो जाते हो। अब तू तो चुप ही बैठना हो, एक तो आग लगा देते और ऊपर से। बापू अब हमें धक्का नहीं मारना पड़ेगा, रास्ता मिल गया। अब कैसा रास्ता? वो देखो सामने। एक काम करते हैं बापू, हम उसे मदद के लिए बुला लेते, वो धक्का मारेंगे और हम बैठ के आ, 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 आ। अब मेरा बेटा सच्चा कहीं से भी रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब तुम खड़े क्यों हो, जल्दी जाओ ना, मैं तो खड़े खड़े थक गई। ठीक है बापू चलो। हाँ हाँ चल चल, हर समय गुड़ गुड़ करती रहती है। ए भाई, अरे देख देख अपने को बुला रहा है, देख। आ? क्या है बोल? अरे भाई मेरी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है। तो अरे उसे धक्का मारना है। मारेंगे धक्का, मगर हर एक को 10-10 रुपया देना पड़ेगा। अरे भाई दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। अरे धक्का तो मारो। अरे मारो धक्का। अरे गिर गया, गिर गया। अरे ये क्या गाड़ी है बाबा? अरे ओ काका ये कैसी गाड़ी है? हाँ आगे चलती ही है। ए बोलो बोलो काका, ये गाड़ी जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देंगे धक्का लगा के, पहले पैसा दो। काम करने से पहले पैसा, पैसे बगैर कुछ नहीं होगा। अरे चलो ए, चलो चलो, भाई चलो। हाँ पिताजी पैसा दे दीजिए। ये सावित्री पैसा दे। क्या यहाँ नखरा बाद में कर, पैसे पैसा निकाल जल्दी। ए, अच्छे से बात करो, जब देखो तब पैसा 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 ये ले। अब आप लोग बैठ जाओ अंदर, हम लोग धक्का लगा के पहुंचा देंगे ऊपर। हाँ। तो हाँ, चलो चलो पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। चलो चलो ये रुक जा रुक जा रुक जा। वो गाड़ी लेके जाने यहाँ, तेरा बैल मारेगा तो नहीं? नहीं। ले 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 ये पैसा ले। हाँ चल 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 चल, आ जा 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 जा। दम लगा के गाड़ी, दम लगा के, दम लगा के। चलो चलो रे, चलो जाने दो। ए चल मेरे गाड़ी, जाने दो जाने दो। चल 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 रे, चल 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 मेरे हाथी। अरे चल चल चल, पैसे में। अब मैं क्या कहती हूँ, मैं और सूरज बेटा मंदिर जाकर आते हैं, घर में शुभ घड़ी आने वाली है, ये मंगल कार्य अच्छे से हो जाए ना, इसके लिए भगवान से आशीर्वाद लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, पर वापस आते समय बेटे को साथ में लेके आना, ताकि उसे भी पता चले कि ठाकुरों को खाली हवेली में बैठे रहना नहीं है, गांव और जमीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्यों सही ना बाबूजी? वाह बेटे वाह।
बड़े भैया। माफ कीजिएगा बड़े भाई, आने में थोड़ी देर हो गई। सुखी रहो। अरे थोड़ी सी देर हुई है, अभी पृथ्वी जी और उसका परिवार आके गया है। सुखी रहे बेटे। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ा हो गया है हा? और हमारा सूरज भी। जीते रहो बेटा। जिग जिग जियो। राम राम ठाकुर जी। राम राम। कैसे हो आप सब लोग? कैसी रही इस साल की फसल? इस बरस तो बरसात बहुत अच्छी हुई ठाकुर जी, और अन्न भी बहुत अच्छा हुआ है। कोई बात नहीं, चिंता मत करना। छोटे ठाकुर की जय हो। 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 तो तुम लोग पूरे गांव खेत सब कुछ ठीक ठाक से देखकर आ गए हो ना? क्या खाक घूम कर आए? चारों तरफ सूरज का जय जयकार हो रहा था, और हमारा बेटा पूरा पूरा हकदार होने के बावजूद सर झुकाकर खड़ा था। ये सर झुकाकर आज बैठा है, मगर कल ठाकुरायन, मैं अपने भैया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वक्त आने पर मेरे बेटे के ऊपर वो पूरा पूरा न्याय करेंगे। भूल जाओ ये सब। ये तो शादी के समय पर अगर छोटा भाई हाजिर ना हो ना, तो पूरे गांव वाले कहेंगे, इसलिए खुद की इज्जत बचाने के लिए हमें बुलाया। एक बार तुम्हारे भतीजे की शादी हो जाने दो, फिर देखना लात मार के बाहर निकालते हैं कि नहीं। इसीलिए कहती हूँ, ऐसे कुछ हो जाए उससे पहले। पहला क्या? पहला कुछ तो दाव पेच खेलो। भाई के साथ दगा करके मैं दाव पेच खेलूं? तंबोरा हाथ में लेकर कुछ मिलने वाला नहीं है, इसके लिए तलवार लेनी पड़ेगी। तलवार एक तो सोच समझ के साथ, अगर ऐसी ताकत नहीं है तो पीठ पीछे छुरा। ठाकुरायन। हाँ बापू, माँ शशि कह रही है, आने वाले मौके का अगर हम फायदा ना उठा पाए तो फिर से हम रास्ते पे आ जाएंगे। उससे अच्छा है कि बाजी मुझे खेलने दो। तुझे बाजी खेलने की कोई जरूरत नहीं, बाजी तो अब मैं खेलूंगा। मुझे तो उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्ली तड़प मारना आई हो ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है। भले ही अपने ठाकुर खानदान की बहू क्यों ना हो, मुझे भी उसे देखकर गुस्सा आता है। पर हाँ, हम तो ठहरे छोटे आदमी। हाँ, और वो हुए बापू के, ठाकुर साहब के भाई और भाभी। जाने दे अभी उसे, ये तेरा बाप मुनीम क्या कर रहा है? जब से आपने उसे गंगा फुई के चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया है ना, तब से आओ अंदर देखो ना। अच्छा, ये ओढ़नी तो बहुत सुंदर है। हाँ, ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी उड़े तो भले उड़ी जाए, ना ना रे रे वा ना 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 ना। ओहो, क्या बात कर रहे हो? अरे 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 लालिया, क्या कर रहा है यहाँ? रंग में भंग डालने कहाँ से आ गया तू? ये लीला को लेकर तुझे जहाँ जाना है, घूमना है ना, तू जाके आ जा। हाँ, तो फिर लीला, ये तेरे पुराने बाप का और नई माँ का आशीर्वाद ले ले। आशीर्वाद आशीर्वाद कुछ नहीं, अभी जाना रे। चल चल, इतना उतपला। लीला, ये तूने देखा तेरे बाप की बाप लीला? चल अब हम भी करते हैं लाला की लीला। देख, ये बुड्ढा घोड़े पे चढ़ेगा ना तो फिर रुके ना रुकेगा। इसे कहते प्यार। नीचे उतर। खाने दो ना। मैं कहता हूँ नीचे उतरो। क्या बात है? मेरे बाप बाबूजी तेरे लिए कितना सोच रहे, तुझे पता है? कल हमारी हवेली की तू बहू बनने वाली, और तेरे बंदर गिरी जाती नहीं है। मेरी माँ कहती है कि बहू आके सब संभाल लेगी। संस्कारी कुल की लड़की बनी है, मतलब कोई चिंता नहीं। और तू, मेरे भगवान जैसे बाबूजी ने कितने विश्वास से ये जायदाद बेटे के बजाय आने वाली बहू के नाम पे कर दी, और तुझे तो बिल्कुल उसकी कोई कदर ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि अभी के अभी तेरा हाथ पकड़ के मेरे बाबूजी के पास ले जाओ,
और कहू के देखो ये तुम्हारी बहू, वो अपने खुद को नहीं संभाल पा रही है तो आपकी हवेली को क्या संभालेगी। हमारी हवेली की तू बहू बनने वाली और तेरे बंदरगिरी जाती नहीं है। मेरी माँ कहती है कि बहू आके सब संभाल लेगी। तोड़ डालो सगाई, रोक दो शादी। मैं ऐसी पागल लड़की के साथ शादी करना नहीं चाहता हूँ। मैं तेरे मुंह से एक बात सुनना नहीं चाहता हूँ। मेरी आंखों से दूर हो जा, चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। माँ आज मुझे रोटी बनाने दो ना। नहीं बेटा रहने दो, मैं बनाती हूँ। माँ दो ना। सुनो जी, मैं तो जैसे सपना देख रही हूँ ऐसा लग रहा है। अपनी राधा तो जैसे माँ सारा काम सुबह ही खत्म कर दिया। अभी मैं मंदिर जाकर आऊँ। अच्छा बेटा जाकर आओ। बापू तो मैं जाऊँ? ठीक है बेटा जाओ जाओ। हे भगवान, ये तो जाने ईश्वर ने चमत्कार ही कर दिया है। दो दिन में बेटी कितनी बदल गई है। कहां पिछले वक्त की वो नटखट और मस्तीखोर राधा, और कहां आज की समझदार और शालीन स्त्री। मैंने तुमसे कहा था ना, एक बार पिता का घर छोड़ने का वक्त आने दो। वो कुछ भी हो भला, अब मुझे उसे ससुराल भेजने में जरा भी चिंता नहीं होगी। तुझे भला बुरा कहके तमाचा मार के गलत किया था। मैं भूल गया था कि लाल प्यार से बिगड़ी हुई लड़की को भी समझाया जा सकता है, उससे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पराए इंसानों पर अपना रोष निकालना उसे जबरदस्ती कहते हैं, पर खुद के सगे वालों पर अपना पूरा हक होता है। वो कड़वे बोल और उस तमाचे से तो मेरी आंखें खोल दी, मेरे अबोध झांझर के शर्म को गूंगा कर दिया। मेरी आंखें शरारत के बदले समझ और संस्कार के काजल से शोभायमान हो गई। हाँ सूरज, ये पूरा बदलाव तुम्हारी वजह से है। वाह, कहाँ मेरी मस्ती खोर वो ग्वालन राधा, और कहाँ समझदार और संस्कारी राधा। सच कहता हूँ राधा, तुझमें मेरी हवेली की बहू का रूप देख रहा हूँ, और इससे ज्यादा आनंद की पल मेरे जीवन में और कौन सी हो सकती है। चल इस आनंदी पल का सुख लेते, चल राधा। Oh,
मत घूमो तेरे ताल के संग सरा राजा ढोल बजा, मत घूमो तेरे संग राजा सरा ढोल बजा, राजा ढोल नगाड़ा बजा तू सरा, राजा ढोल नगाड़ा बजा तू सरा। गोरी घूमर घूमर ढोल बाजे रे, गोरी घूमर घूमर ढोल बाजे रे, मेरे संग संग मेरे संग संग नाच ले गोरी, आज तू नाच ले रे, मेरे संग संग नाच ले गोरी, आज तू नाच ले रे, राजा ढोल नगाड़ा बजा तू सरा, राजा ढोल नगाड़ा बजा तू तेरा जोबन कवारा, तू है कवारी तेरा जोबन कवारा, रंग भरे रात में तू आजा रे आजा, लगे वाह लगे वाह हमारी जोड़ी देख ले तू देख ले रे, लगे वाह हमारी जोड़ी हमारे जुड़वा देख ले रे, राजा ढोल कृष्ण तू मेरी राधा, राधा हूँ तेरी तू कारारी, तेरा चांदी सा मुखड़ा देखू मैं तरसू गोरी मैं तरसू, तेरा चांदी सा मुखड़ा गोरी देखू मैं तरसू मैं तरसू, राजा ढोल नगाड़ा बजा तू सरा, राजा ढोल नगाड़ा बजा तू सरा, मेरे संग संग मेरे संग संग नाच ले गोरी, आज तू नाच ले रे, मेरे संग संग नाच ले गोरी, आज तू नाच ले रे। राम 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 राम, कोई दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ गए सब किसान? वो तो दोपहर का खाना खाने गए हैं। अच्छा, खाना खाने गए?
ठीक है जा, जाके मेरे लिए पानी लेके आ। छोटे ठाकुर। अरे मेरी रानी आ जा, आ जा, अरे भाई रंजीत पागल हो गया है, ये तू क्या कर रहा है? अरे तेरे अंदर ठाकुर खानदान का खून है और तू रजा पे नजर डाल रहा है। चल आज मेरे बीच में मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। ए भाई अभी भी मान जा, अरे ये बात अगर बाबूजी को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे? आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। रंजीत ले बहन, इस सूरज के जीते जी किसी अबला की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। बेटा ये रंजीत को कुछ नहीं। चाचा जी ये अपने रंजीत को एक अनजान आदमी समझ के बैल ने अपने पैर से लात मार दी। कीड़े पड़े उस काले बैल को, मेरे फूलजू से बेटे का कैसा हाल किया है। अरे क्या हुआ रंजीत को? सूरज बेटा जा जल्दी जा और वैद को बुला के लेके आओ। वैदराज को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अपने लाला सेठ एक झटके में ठीक कर देंगे। हाँ ओहो अम्ब हा। अरे दूर हट जाओ सब लोग। हाँ अभी खत्म कर देता हूँ इसका ना, कितने सालों बाद मैं इलाज कर रहा हूँ, आप लोग जरा भी चिंता मत करना। ए भाई घूम के सोना। अरे संभाल के। ओ बाबूजी। उल्टा सो जा, ये देख बाबूजी। मजा आएगा। बाबूजी आपको बुला रहा है। अरे इतना बड़ा लड़का होगा क्या बाप 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 कर रहा है कब से? ये ले ऐसा कुछ करोगे तो मेरा बेटा मर जाएगा। अरे चाची थोड़ी देर दर्द होगा फिर देखना हंसने लगेगा। चलो झटका दे। हंस रहा है देखो, हंस रहा है। अरे भाई अभी मुझे छोड़ दो, अब मुझे ठीक है, अब मुझे शांति से सोने दो। छोड़ दे अभी इसे, छोड़ दे। अरे देखे इसे हाँ, तो फिर गरम पानी लेके जाता हूँ। जा यहाँ से। लाला सेठ के ये गरम पानी का सेक अच्छे अच्छे को ठीक। अरे बाप रे मर गया रे। अरे लीला लीला बेटी जल्दी से गंगा को बुला के लेके आ। अरे पड़ोसी के बकरी ने सींग मारकर मेरा घुटना तोड़ दिया रे, तू जल्दी से गंगा चाची को बुला के ला। लाला को बुलाती हूँ। अरे क्या हुआ अंदर? याद करने के साथ ही लाला आ गया। अरे नहीं इसको मत बुला। मुझे सेक करना है, सेक करना है मुझे। सुनो तो, अरे मुझे बुला। देखो बापू के पैर में मार लगा। ओहो तो गरम पानी का सेक करना पड़ेगा। तू एक काम कर, गरम कोलसे पे गरम पानी रख दे और दो बड़े कापूस लेके आ, तो अभी इसका सेक कर देता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे अच्छा हुआ गंगा बुआ आप समय से आ गई। हाँ ये देखो कब से अकेले अकेले नाच रहे, आप भी इसके साथ नाचो ना। ये गर्म पानी के सेक से तो मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई। मुझे तो उस सूरज का बदमाशी भरा चेहरा देखकर ही लगता था कि वो हमारे साथ कुछ खेल खेल रहा है। अरे ये भरत सिंह तो अच्छे अच्छों का पानी निचोड़ देता है, तो ये सूरज की क्या मजाल है। मगर पहले ये बता मेरे बेटे की खेत में ले जाकर तेरा पानी किसने उतारा? खेतों में मेरा जाना सूरज को पसंद नहीं है, इसलिए उसने मुझ पे हमला किया। मेरा बेटा जिसे उसके बाप का घास लूटने आया है ना, ऐसा समझ रहा है। और बाप बेटे को तो दोनों ऐसा लगता है कि हम में तो पानी ही नहीं है। बहुत हो गया। अरे ये भरत सिंह तो अच्छे अच्छों का पानी निचोड़ देता है, तो उन बाप बेटे का क्या मजाल।
घड़ी भर में पल भर में इस हवेली में कब्जा करके इन दोनों को रास्ते पे लाकर जोगी बनाकर अगर बाहर न कर दूं तो मेरा नाम भी भरत सिंह नहीं। वाह, भगवान जैसे भाई भाभी पे तुम जैसे पीठ पे खंजर घोपने वाले पापी। भाई भाभी ऐसे होते तो फिर उसकी संतान तो ऐसे ही नीच उल्टा होगी ना, हवेली से निकाल देने वाले। छोटे भाई को बड़े भाई ने बुला के इज्जत तो दी पर फिर भी छोटा भाई निकम्मा ही निकला। अरे जिसने प्यार से बुलाया, प्यार से हाथ आगे बढ़ाया और उसी हाथ को काटने से पहले तुम्हारा कलेजा क्यों नहीं कप गया? बोलो चाची, जवाब दो। अरे पापी लोग, जहरीला नाग भी उसे दूध पिलाने वाले को कभी डंकता नहीं, लेकिन आप लोग बस बस सारी होशियारी रहने दो और तुम्हारी संपत्ति को गले में लटका कर घूमो। क्या देखकर तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? चाची, आपकी कड़वी बोली से ही लग रहा है कि क्यों मेरे दादाजी ने अपने सगे बेटे को इस हवेली से लात मार के निकाल दिया होगा। उन्होंने सही किया था। अब पूछो आपके बेटे को कि मैंने उस पे हाथ क्यों उठाया था। ए, सच्ची सच्ची बताना वरना तेरे माँ बाप की भी शर्म नहीं रखूंगा। बोल। मैं एक अबला नारी की इज्जत लूटने गया था। देखे तुम्हारे छोटे संस्कार, अब आप में हिम्मत हो तो अपना ये गलत काम करने वाले बेटे को काट डालो। हाँ बेटा खोना पड़ेगा पर ठाकुर खानदान का नाम ऊंचा रहेगा। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तीनों को मेरे माँ बाप के चरणों में रख दूं। पर इस बात को जान के मैं अपने माँ बाप को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। पर हाँ इतना याद रखना चाचा, जो हाथ विनंती के लिए जुड़ते वो हाथ गला दबाने में भी पीछे नहीं हटेंगे, ये बात समझ लेना। आप क्या सोच रहे हो ठकुराइन? हाँ? बेटी के लगन को बस कुछ ही दिन बच गए हैं। मेरी आंखों से न जाने क्यों पानी बह रहा है ऐसे। मेरी बेटी इतनी बड़ी होकर दूसरे के घर जा रही है, इस बात का सुख है मुझे, मगर बेटी के बिना इस घर को काटने दौड़ेगा मुझे, मेरी तो बस जान ही निकल जाएगी। पर आप अपने बेटे का गम शायद घर के बाहर रहने से भूल जाओगे, पर मेरी बेटी के साथ हंसने खेलने वाली मैं क्या करूंगी? तुम्हारी बात सच है ठकुराइन। अरे तुम्हारा दुख तो मेरे दुख से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है ठकुराइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लग्न होने से पहले ठाकुर विजय सिंह के कुटुंबजन और अपने सभी रिश्तेदार नाता गोता को मिलाकर और हम सब मिलके मौज मस्ती का एक ऐसा दौर चले हमेशा के लिए एक यादगार पल बन जाए। अरे पृथ्वी सिंह, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अरे बेटी की शादी में ऐसे शादी के मौके पे दो कुटुंब जमा हुए तो इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है? क्यों भाई भरत, बराबर ना? हाँ। अरे भरत, तू सगाई में देरी से आया था इसलिए शायद तुझे पता नहीं होगा क्या, पर मैंने अपनी जायदाद अपना सब कुछ मेरे बेटे के नाम पे नहीं की है। फिर? पर मेरे दोस्त पृथ्वी सिंह की बेटी राधा के नाम पे की है। राधा इस हवेली की बहू नहीं पर बेटी है। बेटी, बड़े भाई ने तो राधा को हवेली सौंप दी है। अरे बड़ा मुंह करके इस तरह से बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई को यह हक किसने दिया कि वो हमें पूछे बगैर उस पराई औरत को हक दे दिया? बड़े भाई ने जिस वक्त ये बात निकाली उस वक्त मेरे तन बदन में आग सी लग गई। अरे मैं तो जिंदा मर गया उसी वक्त। पर क्या बापू, आप में ताकत ना हो तो मुझे सौंप दो, मैं भी ठाकुर विजय सिंह को बता दूं कि अपने हक की हवेली दूसरे को कैसे दी जा सकती है। मुझ में कितनी शक्ति है ये तुम माँ बेटों को अब पता चलेगा। अरे मैं कोई सतयुग का भरत नहीं हूँ कि राम के पादुका पकड़कर बैठा रहूं। अरे वक्त आने पर अपने बड़े भाई को लात मारने की भी ताकत रखता हूँ मैं। ये लो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया और तुम मेरा काम करोगे।
हो ही गया समझो। मगर एक बात याद रखना कि भरत सिंह नाम है मेरा। मैं अच्छे अच्छों का पानी निचोड़ कर रख देता हूँ। बेटे आज हवेली में संगीत का समारोह है। हाँ बापू। मनाने दे संगीत का जलसा। तुझे जाके देखा जब पन घट पे मन मेरा डोल गया। तुझे जाता देख पन घट पे मेरा
मेरा मन डोल गया, मेरा मन डोल गया, मेरा मन डोल गया, हो मेरा मन तो तुझे जाता दर्पण घट पे मेरा, मेरा मन डोल गया, जब से चांद सा चेहरा ये देखा, मेरा मन मोह गया, जब से चांद सा चेहरा ये देखा, मेरा मन मोह गया, मेरा मन मोह गया, मेरा मन मोह गया, मेरा मन वो तुझे जाते देखा जब पन घट पे, मन मेरा डोल गया, वो तुझे जाता दर्पण घट पे मेरा, मेरा मन डोल गया, नहीं मिलूंगी रे तेरे संग पन घट पे, न मिलूंगी तू तो लाग रे छल छबिला पिया, मैं तेरा मोर तू मोरनी, मैं राजा तू रानी, तू मेरी रानी रानी बन जा, मैं तेरा मोर तू मोरनी, मैं राजा तू रानी, तू मेरी रानी रानी बन जा, मेरा हाथ तू छोड़ दे रे ना मोड़ रे, मैं तो तेरे संग नहीं आऊंगी, नहीं रे आजा मेरी रानी मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना दिल मेरा नहीं लगदा जी, नहीं लगदा, नहीं लगदा जी, नहीं लगदा, हो नहीं लगदा जी, नहीं लगदा, नहीं लगदा जी, नहीं लगदा, नहीं लगदा। ठाकुर कोई नहीं यहाँ पे। अरे बेटी तूने कुछ सुना क्या? हाँ बापू। अरे अपने आंगन में शहनाई कौन बजा रहा है? वहाँ पर छोटे ठाकुर के लगन में शहनाई बजाना है। अरे मैं तो अपनी शादी की शहनाई बजा रहा हूँ। तेरी शादी की? हाँ। तेरे साथ किसके शादी हो रही है? अरे ये जहांगीर का तुम्हारे बाजू में खड़ी हुई अनारकली के साथ। अरे वो मजनू की औलाद, बंदर जैसा लगता है, बंदर जैसा। हाँ मेरी फूल जैसी बेटी को तुझे दे दूँ? चल चल चल। देखो एक बात कह देता हूँ, क्या बंदर शादी नहीं करते? आपने रामायण में पढ़ा होगा कि हनुमान जी को छोड़कर सब बंदर शादी शुदा थे। हाँ। और दूसरी बात कहता हूँ कि आपकी फूल जैसी बेटी मेरे जैसे बंदर के साथ ना बिहानी हो तो बिहाना फिर किसी एरे गेरे के साथ में। रहने दे, रहने दे। चल चल चल। अरे पर मुझे तो अभी गंगा बुआ की शरणाई तुम्हारे साथ ऐसे ही छत पे बैठे बैठे बजानी है। मेरी शादी? हाँ। गंगा के साथ? रंगीला रंगीला मौसम आया रे, रंगीली हो गई मेरी दिन रात रे, रंगीली हो बजे, गई मेरी बजे, दिन रात। हाँ गाते रहो गाते रहो। तू काय को नाच रही है? भूख लग रही है, खाना बना जल्दी। दो आदमी बात कर रहे हैं वहाँ, तेरा कोई काम नहीं। ना मेरी बात तो सुन। हाँ? गंगा क्या मान जाएगी? अरे गंगा बुआ तो इसी समय तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। हाँ? अभी आप लीला की शादी मेरे साथ तय कर दो। हाँ? तो फिर रुमझुम करते हुए गंगा बुढ़ी घर पे आएगी। हाँ? और रुमझुम करते ये तुम्हारी बेटी ससुराल जाए। हाँ? एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, एक आएगा दूसरी जाएगी। अरे गाओ सब लोग गाओ। हाँ, गाओ। अरे दूल्हे राजा आप घोड़ी पे चढ़ो, आपकी शादी है हम आपके साथ हैं। छोटे ठाकुर चढ़ जाओ घोड़ी पे। अरे 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 कहाँ जा रहे? अरे संभालो संभालो। अरे संभालो। Thank you.
रंजीत, तू ठाकुर खानदान का खून नहीं हो सकता, क्योंकि ठाकुर तो सामने सीने से लड़ते हैं, पीठ के पीछे हमला नहीं करता। ले। भरत सिंह नाम है मेरा, अच्छे अच्छों का पानी मैं निचोड़ के रख देता हूँ। ठाकुराइन, अभी हाँ? अभी तक हमारा सूरज क्यों नहीं आया? आप चिंता मत कीजिए, आता ही होगा, भरत और रंजीत गए हैं ना लेने। रंजीत, चाचा जी, रंजीत कहाँ है मेरा बेटा सूरज? आपके साथ क्यों नहीं है? नहीं, बोलो। चुप क्यों हो? बोलो ना, जवाब दो, कहाँ है मेरा सूरज? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना, चुप क्यों हो? हाँ? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या हो रहा है आपको? क्या हो गया? हाथों की मेहंदी अभी अभी लगाई, देखो ये क्या हो गया, साजन जाने किस दुनिया में क्या से क्या गया ये। प्रभु, आज तक तुम्हारी पूजा की, भक्ति की, तुम्हारा अखंड दिया जलाया, उसका ये नतीजा, तुमने मेरा दिया पल भर में बुझा दिया, या तुम सचमुच में पत्थर के हो? मेरी प्रार्थना सुनने के लिए तुम्हारे पास कान नहीं है, भक्तों का दुख देखने के लिए तुम्हारे पास आंखें नहीं है, कि दया दिखाने के लिए तुम्हारे पास दिल नहीं, कि फिर सीता के विरह में रह रह कर तुम इस तरह से बन गए हो कि एक सुखी जोड़े को देख नहीं पाए? मुझ पर तो काल ने घात किया है, विवाह की शुभ घड़ी में मेरे पति को और मेरे बेटे को मुझसे छीन कर मेरे कलेजे के टुकड़े कर दिए। खुशियों से सजी धजी हवेली को तुमने शमशान बना दिया है। कदाचित मेरे ही कुछ पिछले जन्म के पाप होगा, शायद किसी भूल का बदला लिया है तुमने, पर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर इसके 16 सिंगार को एक विधवा का रूप ही देना है और तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचनी है तो लो। गोमा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मेरा सूरज जरूर फिर से आएगा। सीता जी ने श्री राम के लिए 14 साल का वनवास किया, मैं 1000 वर्ष तक मैं मेरे सूरज का इंतजार करूंगी। दुनिया का कोई भी तूफान मेरे दिल में रहा हुआ श्रद्धा और विश्वास का दीवा बुझा नहीं सकते। माँ, हाँ माँ,
मैं तुम्हारे साथ हवेली में ही रहूंगी। जब तक जान में जान है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कभी भी क्या, कभी तो मेरा सूरज वापस लौट कर आएगा। मेरा सूरज लौट के फिर से आएगा माँ। बेटी, एक पत्नी के नाते अपने पति के विश्वास के आगे मैं बेटी की माँ बनकर भी हार गई हूँ। चल बेटी, चल। अब तुम दो माँ बेटे को पता चला ना भरत सिंह की चालाकी और जाबाजी। एक तीर से दो निशाने लगा दिया कि नहीं मैंने। अब रह गई मेरी बेचारी भाभी और जो विधवा बहू। अरे उन दोनों को मैं तो हंसते हंसते इस चूटी में मसल कर रख दूंगा। फिर ये हवेली, ये मलकियत हमारा होगा, हमारा। पर बापू, अब हमें जल्दी करनी पड़ेगी। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, इन्हें जरा अभी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोगों ने हवेली की चाहत है। तेरी माँ बिल्कुल सच कह रही है बेटा। अरे अब तो ठंडी ठंडी सांसें लेते हुए रास्ते के दोनों कांटे को प्रेम से अलग कर देना है, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। कारण के सबसे बड़ा कांटा तो वो सूरज था, और सूरज तो बेचारा अब स्वर्ग में निवास कर रहा होगा। बजरंगी कुछ कहना चाहता है। बजरंगी, क्या हुआ बेटा? चल हम तेरे साथ आते। रुको साथियों, बजरंगी हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो उनके पीछे चलो। चलो। अरे ये क्या हो गया? अरे ये आदमी यहाँ कहाँ से? ऊपर से गिर गया या किसी ने मार के फेंक दिया? देख तो बेटा। बापू, इनकी सांसें तो चल रही है। चलो चलो, इन्हें जल्दी से अपने खेमे में लेकर चलो। हाँ, चलो। उठाओ इसे, उठाओ। आराम से। अरे सरदार, ये जवान कौन होगा? पता नहीं, पर बेटे ऊपर वाला मेहरबानी करे तो उसकी जान बच जाए। जाओ, आप जख्म पे मरहम लगाने की तैयारी करो और मीरा से कहो उसे संभाल ले। बेटा बजरंगी, तूने आज बहुत अच्छा कार्य किया। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सीता राम, सीता राम, भज मन प्यारे राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
दिलानी है। इसके बदले बेटी मैं लाखों बार कलेजे को पत्थर बना देती हूँ, पर तुम पर नजर गिरते ही मैं टूट जाती हूँ। ना राधा बेटी, इस दुख की भट्टी में अपने आप को सेकने के बजाय तुम तुम्हारे घर पे चली जाओ बेटी। माँ तुम्हें मेरी कसम है, फिर से ऐसा मत बोलना। मैंने अपने सूरज को वचन दिया है कि मैं अपने आप को हवेली के बहू बनके दिखाऊंगी। लौट कर आने के बाद जब वो मुझे यहाँ देखेंगे तब उन्हें कितना आनंद होगा माँ। उसके बदले आपको यहाँ अकेला छोड़ के जाऊंगी तो सूरज मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मुझ में कुदरत के हजारों तमाचे सहन करने की ताकत है, पर सूरज का एक छोटा ठपका भी बिजली का तरह लगता है। बेटा बापूजी, तुम्हारी बेटी की कुदरत अग्नि परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी बहादुर दिखरी को हरे बगैर तप कर रही है। माँ बाप के नाते गर्व से हंसते हंसते उसके लिए प्रार्थना करो और मुझे एक वचन भी दो। आज के बाद आप लोग यहाँ कभी भी मत आना जिससे कि मेरा तप टूट जाए। हाँ बापूजी, आपकी यह बेटी कैसा भी तूफान आए उसके सामने लड़ेगी। मेरी इतनी बिनती मान लो बापूजी। मुझे 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 पूरा पूरा विश्वास है बापूजी, सूरज जहाँ भी रहेगा वहाँ ठीक ही होगा बापूजी, अच्छा ही होगा। कितने समय से मैं मुरझा गया हूँ, मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं आपको भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। एक बात पूछूं, आप ही मुझे कहो मैं कौन हूँ, आप कौन हो? मैं मीरा हूँ और तुम मोहन हो। मीरा मोहन? पर कुछ भी नहीं बेटा मीरा। बापू मैंने इनका नाम मोहन रख दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया। देख इसे ले जाके ना जरा बाहर घुमा के आ ताकि वो खुश हो जाए। जा बेटा। हाँ बापू, मैं मोहन और बजरंगी बाहर घूम कर आए। जाओ जाओ बच्चों, खुशी से जाओ। चलो मोहन। जा बच्चों। मोहन हाँ? ये है हमारा लाडला चेतक, चलो आज इसकी सवारी करते हैं। मैं अकेला? तो बजरंगी को साथ में ले लेते हैं। हाँ वो सही। देंगे पायल छन 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 के रे चूड़ी खन 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 के जहाँ चूड़ी खन 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 के रे।
चूड़ी खन 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 के रे, हाँ पायल छन 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 के रे। ए, मस्त जवानी ऐसी मेरी मन जो तेरा मचलाए। ए, मस्त जवानी ऐसी मेरी मन जो तेरा मचलाए। एक आंख जो मारो मैं तो, एक आंख जो मारो मैं तो दिल तेरा फिसलाए। ए बाजे गन 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 बागे रे, बाजे रे पायल मेरा है, तू तो खन खन नाचे रे। आए मैं तो हूँ गोरी, तेरे हाथ ना आऊं। छुए तो मुरझाए, ओ काया मेरे कच्ची कली सी जो छुए मुरझाए। तंत्र मंत्र से वश कर लूंगी तू ना बच पाएगा। जवानी मेरी ऐसे छलके तुझसे संभाल न जाए। ए बाजे गन 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 बागे रे, बाजे रे पायल मेरा है, तू तो खन खन नाचे रे। साल की नार नवेली पानी भरन को जाए। तेरे रंग में दिल ये तेरे पीछे भागे, दिल ये तेरे पीछे भागे, और मैं तेरे पीछे पायल छन 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 के रे, छन के रे। चूड़ी खन 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 के जहाँ, चूड़ी खन 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 के रे, चूड़ी खन 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 के रे, हाँ पायल छन 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 के रे। मस्त जवानी ऐसी मेरी मन को तेरा मचलाए। नजर से यूं तू नजर मिलाए, घायल दिल कर जाए। ओ नजर से यूं तू नजर मिलाए, घायल दिल कर जाए। अरे बरसों से तू मेरा खाना, मैं हूँ तेरी राधा। पानी भरने आई थी मैं, अब तो न छेड़ राजा। अंगन 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 बाजे रे पायल मेरा है, तो खन खन नाचे रे। साल की नार नवेली पानी भरन को जाए। ए मस्त जवानी ऐसी मेरी मन जो तेरा मचलाए। घूमे ऐसे घाघरा ये, घूमे ऐसे घाघरा ये, जो बन ये छलकाए। ए बाजे गन 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 बाजे रे पायल मेरा है, तू तो खन खन नाचे रे। काल गुलाबी गोरी तेरे लाल लाल रे, काल गुलाबी गोरी तेरे लाल लाल रे। Thank you.
ईर्ष्या क्यों करती हो? इतने वर्ष में एक बार, इतने वर्षों से अपने आप को रोका और होली के दिन में ढोल बजा रहा हूँ तो तू मुझे रोक रही है? बात ये नहीं है ढोली। मैं ढोली नहीं हूँ। बरसों बाद गांव में लौटा हुआ मैं अकेला चंदू हूँ। ये ढोल की ताल मेरी गोपी को बहुत अच्छा लगता था और गोपी ये ढोल सुनने से पहले माफ करना, मैंने अनजाने में तुम्हारे दिल को दुखा दिया। आप खुशी से गोपी के लिए ढोल बजाइए। गोपी मुझे माफ कर दे, जीते जी तो मैं तुझे प्यार नहीं दे सका मगर तेरे मरने के बाद। अब मत भूलिए, ढोल बजाइए, आपको मेरी कसम है। इस अनजान इंसान के लिए आप क्यों चिंता कर रही हो? इन सब बातों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप अपनी गोपी के लिए ढोल बजाइए। हाँ साजन अभी आएगा ही नहीं, फिर भी राधा अभी साजन साजन करते रहती है। आप अपनी भाभी को अभी तक पहचानते नहीं है, नागिन है नागिन, कभी डंक मारेगी पता नहीं चलेगा। अरे पति और बेटे को खोने के बाद किसी भी स्त्री में कोई ताकत नहीं रहती। भूल हो रही है ठाकुर, भूल हो रही है। भले ही मौत के दरवाजे पर खड़ी हो स्त्री, और पुत्र को मारने वाले का पता चलते ही वो हाथ में खड़क लेके कालिका बन सकती है, ये मत भूलना। तो फिर हमें उसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। अब इस बार बाजी तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी बेटा। मतलब? यानी कि ऐसा कि सारी मिलकर राधा से जो शादी करेगा उसे मिलेगी और तुम धीरे धीरे उसका दिल जीत लेना। मगर वो तो सूरज की राह देख रही ये है। ये सब नाटक है नाटक, एक अकेली स्त्री को कैसे वश में किया जाए ये तुम्हारे लिए खेल है बेटा। बस माँ, अभी देखना इस रंजीत की चाल, और ऊपर से आज होली का त्योहार भी है। तूने मुझ पे हाथ उठाया राधा, मैं तुझे देख लूंगा। बेटी बेटी, इतने दिनों के बाद आप खाने पे बैठे हो रही है। हे भगवान मुझे माफ करना, ससुराल जाने से पहले अपने हाथों से जब वो खिलाती थी वो समय याद आ गया मुझे।
मेरी फूल जैसी बेटी पर दुखों का पहाड़ क्यों टूटा? धीरज रखना राधा के बापू, मुझे भी रात भर नींद नहीं आती। मेरे गोद में खेली हुई बेटी पर इतना बड़ा संकट, मुझे लगता है कि मैं उसके माथे पर हाथ फिराऊं, उसके आंसू पोंछूं, लेकिन पर उसकी कसम से उसने हमें बांध दिया है। और पगली कहती है सूरज आएगा, मगर सूरज अब कहां से आएगा? भगवान उसका भरोसा सच्चा बनाए। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ मेरी बेटी के भरोसा को तोड़ना मत। मोहन, तुम जब देखो तब खोए खोए हुए से रहते हो। मुझे खुद को पता नहीं चल रहा। पर मोहन, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो तुम्हें मिल गया है? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? शरद पूर्णिमा के रात को दरिया में जब लहरें उछलती हो, बारिश के मौसम में मोर पंख फैला के नाचता है, तभी हर एक जवान दिलों में एक तड़प जागती है। मोहन, मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहती हूँ। हाँ? मीरा? हाँ मोहन, तुम्हारी ये मीरा तो जन्मों जन्म से तुम्हारी राह देख रही थी और मेरा सारा जीवन तुम्हारे सेवा में ही बिताना चाहती हूँ। बेटी, तुम मेरी कितनी सेवा करती है। तुम्हारी सेवा में तो स्वर्ग है माँ। राधा बेटी, जाओ, तुम थक गई होगी। जेठानी जी के पैर मैं दबा देती हूँ। नहीं, आप जाइए, मैं बैठी हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम्हें मेरी कसम, जाओ जाकर आराम करो। बड़ी बहन के पैर दबाकर मुझे भी थोड़ा पुण्य कमाने दो। जाओ तुम, जाओ बेटा, आराम करो। मैं जाऊँ? जा बेटा, जा। सावित्री, आप भले ही हमसे छोटी हो, पर सच में हमें मदद करने के लिए आप भगवान जैसे आए हो। ऐसी मत बोलो बड़ी बहन, ये तो मेरा कर्तव्य है। लीला, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, वरना ये कलयुग की सावित्री। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें माँ को इस औरत से पहले से आगाह करना चाहिए। पर हमारा कौन सुनेगा? सावित्री, रहने दो, अब तुम थक गई होगी। नहीं बड़ी बहन, इसमें क्या, आप आराम कीजिए। ओ, देखा देखा। हाँ, माँ बाप ऐसे, और इनका बेटा तो। अरे, ऐसे माँ बाप का बेटा रंजीत भी बदमाश का बेटा बदमाश ही होगा ना। सभी गांव के लोग, एक बात कान खोल के सुन लेना, आप सभी को लगान देना ही पड़ेगा। मगर छोटे लोगों को तो तकलीफ हो जाएगी ठाकुर, मगर बड़े ठाकुर ने तो सब कुछ माफ कर दिया। वो दोनों तो स्वर्ग में चले गए, अब तुम लोगों को जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। लेकिन जब तक कुदरत मेहरबान ना हो, तब ऐसी हालत में पसीना बहा के आपको कहाँ से पैसे ला के देंगे? हमें कैसे देना है, अभी तुझे बताता हूँ, चल। चल अब इस गरीब किसान के सामने माफी मांग, चल चल। ये नया पंछी कौन है? भगत राम की मुट्ठी की ताकत तुझे देखना है। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दो भाई, माफ कर दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं तुझे छोडूंगा नहीं, मत कीजिए, पता नहीं मैं कौन हूँ, हो जाएगा, मत कीजिए, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। चंद्रा भाई, वो ठाकुर के भाई का बेटा है, ठाकुर से शिकायत कर देगा वो।
आप सारों की मुसीबत मैं अच्छे से समझती हूँ। अब कर लेना या न लेना, इसका निर्णय तो मैं अब राधा बेटी पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस हवेली की सच्ची मालिक अब राधा है। माँ, आपने मुझे बुलाया। राधा, ये नालायक सबको पहला पूछला के ये समझा रहा है कि लगान मत दो, समझी? कितने एक इंसान चेहरे से कितने प्रामाणिक होते हैं, इसे पहचानना चाहिए। इस इंसान ने जो कुछ भी किया होगा ये लोगों के भलाई के लिए ही किया होगा, ऐसा मुझे सच में लगता है माँ। और इसलिए मेरा निर्णय यह है कि मुसीबत के इस वर्ष में ही नहीं, साथ ही कोई भी वर्ष खेडूतों का कर माफ करना चाहिए। आकाश में उड़ने वाला पंछी अगर धरती पर चले, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये सब अपने ही तो है। गोरी मेरी लगन जुड़ गई देख मन खाए हिच को ले, देख ले गोरी देख अपने शाम को। मन खाए हिच को ले, देख ले गोरी देख अपने शाम को। प्रीति के रीत साईबा बरसो पुराने, प्रीति के रीत साईबा बरसो पुराने, दर्पण में जब मैं देखूं साजन देखूं तेरी सूरत तू ही दिल जाने, दर्पण में देखूं मैं तो देखूं तेरी सूरत तू ही दिल जाने। ओ तुझसे ओ गोरी मेरी लगन जुड़ गई है, प्रीति के रीत साईबा बरसो पुराने। करार है प्रीति के रीत साईबा बरसो पुराने।
तुझसे ओ गोरी मेरी लगन जुड़ गई है। अपना ये नाता ओ प्रीत की रीत में हम झलकते जाएंगे। ओ जन्मों जन्मों का अपना ये नाता। तेरे दिल में तो मैं हूँ, मेरे दिल में तो तू है, अपना जन्मों का साथ तुझ संग है जीना मुझको, तुझ संग है मरना मुझको, तू ही जिंद जान रे। प्रीत के रीत साहिबा बरसो भोरा। ओ तुझसे ओ गोरी मेरी लगन जुड़ गई है। दर्पण में जब मैं देखूं साजन देखूं तेरी सूरत, तू ही दिल जाने। तू मेरी रानी बन जा, मैं तेरा राजा बनूं, आजा रानी आजा रे। दर्पण में देखूं मैं तो देखूं तेरी सूरत, तू ही दिल जाने। तू मेरी रानी बन जा, मैं तेरा राजा बनूं, आजा रानी आजा रे। नहीं जाता माँ, आप तो रो रो के आधे हो गए हो। क्या करेगी माँ, ये राधा माँ के ऐसे कठोर तप और पूजा कर लिया तो भी सूरज भाई के आने की कोई खबर नहीं है। और उनके सामने 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 क्या बोलते हुए क्यों रुक गई माँ? छोटी मुँह बड़ी बात करूँ तो बुरा मत मानना, पर काका काकी और उनका बेटा मुझे अच्छे इंसान नहीं लगते। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता, वो दोनों सगे भाई हैं, एक ही खून। माँ, दुनिया में अपना खून जितना गद्दारी करता है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। बहुत विश्वास मत रखना, आँख हमेशा खुली रखना। पढ़ाओ माँ साहब, मुझे आपसे एक क्या बात है मुनीम जी? माँ जी, हद हो गई है, इसलिए कहने आया हूँ। क्या कहने आया हूँ? रंजीत ठाकुर रोज रोज पैसा लेकर तिजोरी खाली कर रहा है। तो अभी तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ जी, मैं ठहरा छोटा आदमी, आपके घर के बीच बात। कोई बात नहीं, जागे तब सवेरा। अब कभी भी रंजीत पैसे मांगे तो उसे कह देना राधा की इजाजत लेकर आए। हवेली की सारी चीजों पर राधा का हक है। मुझे इस रंजीत सिंह को अपनी ही तिजोरी के पैसे उस भीख मांगी राधा के पास मांगना पड़ेगा? अरे पैसे के लिए उसने मुझे तमाचा मारा है,
उसने गांव के सामने और लोगों के सामने मेरा अपमान किया है। पर मेरा नाम भी रंजीत सिंह है, रंजीत सिंह। इस अपमान का बदला मैं लूंगा लूंगा और जरूर से लूंगा। तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। बच के कहाँ जाएगी? बचाओ! हवेली में आग लग गई और हाँ? हमारी बेटी राधा उस हवेली की आग में। हे भगवान, चलो चलो जल्दी पहुंचना है हमें। मेरी राधा को बचाने वाला ईश्वर के जैसे आकर मेरे बेटी को बचाया वो आदमी कैसा है? भगवान की कृपा से वो सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। आप हिम्मत रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मगर ये अचानक कैसे हो गया? घर में घुसे हुए काले नाग को किस तरह से पहचानेंगे? मैंने तो मासा से कहा था कि रंजू ठाकुर की नजर रावण की नजर है। खबरदार, दो कौड़ी का आदमी होकर मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? तुम्हारे पापी बेटे के काले करतूतों के लिए मेरे होंठ नहीं खुलेंगे, लेकिन मेरे आंखों के आंसू से ही समझ जाओ। बेटा, ये आग लगाने वाली काम मेरे नालायक बेटे ने किया है। देखो, अगर वो काम उसने किया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। ओह, नालायक निकम्मा! ओह, मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं, ऐसा करते मुझे शर्म नहीं आई। क्यों मार रहे हो पिताजी? तुमने मेरी नाक कटा दी, तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। निकल जा इस घर से, निकल जा, दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। अभी निकल जा इस घर से, मैं तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पेट से कपूत कैसे पैदा हुआ? इससे अच्छा तो मैं तुम्हारा गला दबा दूं, जला दूं तुम्हें। इसने तो मेरी इज्जत धूल में मिला दी। नालायक, देवी जैसी भाभी पर नजर डालते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे तुमने तो हमारे आँखों में धूल झोंक दी। कल मुहे ठाकुर के इज्जत को कलंक लगा दिया। आज तू देख ले, मैं आज तुझे रहने दीजिए। मेरी बेटी पर जो जो बीता वो कुछ कम नहीं है, फिर भी मानवता के नाते कह रहा हूँ, रहने दीजिए। अरे क्या रहने दीजिए, आज आज तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। नहीं देवर जी, नहीं, बेटी को मारने का आप कारण मत बनिए। ऊपर वाला सब देखता है, रंजीत को इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, आपको मेरी कसम है। हे, ले जाओ इसे, ले जाओ, और ऐसी जगह फेंकना जहां इसकी लाश तक न मिले। भाभी, भाभी माफ कीजिए। बेटा क्या हुआ? मुझे कुछ हवेली जैसा दिख रहा है, किसी की शादी की तैयारियां हो रही हो ऐसा दिख रहा है, मुझे कोई वहां बुलाता होगा ऐसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बेटे
चिंता मत करो, अभी हम हमारे गाने गाने गुजरात में ही जाएंगे, वहाँ जाके तेरे मन को शांति मिलेगी बेटा। माँ, हम सब तो सब भूल कर हंसने खेलने लग गए हैं, और आप? बेटा, मुझे अब और जिक्र क्या करना है, तुमने मेरी राधा को बचाया, तुम्हारा तो मानो इतना उपकार कम है, भगवान तुम्हारी उम्र को बहुत लंबी कर दे। ना माँ, मैं तो भगवान से कहता हूँ, अगर मैंने कुछ भी पुण्य किया हो तो ये राह देखती राधा को उसका सूरज मिल जाए, उसका सूरज मिल जाए, अगर इन दोनों का मिलाप हो जाए तो इस हवेली में खुशी आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। माँ, मिलाप होके रहेगा, माँ होके रहेगा, मेरी बेटी के प्रति तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए हमारा सर झुका जा रहा है। बेटा, कलयुग में भी सत्ययुग का जैसा इंसान पैदा होना बंद नहीं हुआ है। मेरी एक बात मानोगी राधा? क्या माँ? मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने तुम और चंद्र सात फेरे फेर लो। ना माँ ना, मैं मर जाऊंगी तो भी ये पाप नहीं करूंगी, मैं सीता नहीं हूँ, मैं सावित्री नहीं हूँ माँ, कलयुग की सामान्य नारी हूँ, मैं श्रद्धा का अखंड दिया बनी हूँ, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ सूरज ही छाया है और मैं उन्हीं की राह देखूंगी। हाँ माँ, मैं भी राह देखती राधा को, उसके विश्वास को मैं तोड़ा नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता माँ, आज तक मैं सिर्फ सब कुछ खोता आया हूँ, मैं किसी को छीन लूँ ऐसा मेरा खून नहीं है माँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता माँ। बेटी, तुम्हारे कठोर तप को मैं धूल मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती, लेकिन जरा सोचो तो बेटी, तुम्हारी आशा के इस उम्मीद पर खुद के कलेजे के टुकड़े का इंतजार करती हुई ये माँ, वो अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर तुमसे कह रही है, पर आगे का सोचकर ही कुछ कह रही हूँ बेटी, राक्षसों के सामने कब तक तुम अकेले जूझती रहोगी बेटी? अरे, और ये चंद्र भी मेरे बेटे जैसा ही है। लेकिन माँ, मेरी इतनी बात नहीं मानोगी बेटी? बेटा, गायत्री बहन की इतनी सी बात रख ले बेटा, मान जाओ बेटी, मान जाओ। हाँ? मतलब राधा की शादी वो हरामखोर चंद्र के साथ होगी? हाँ, और ये सब हुआ है तेरे कारण, समझा, तेरे कारण, और उस हवेली का मालिक भी वही होगा। वो दो टके का आदमी मेरी हवेली का मालिक बनेगा और हम लोग रहेंगे हाथ घसते? नहीं चलेगा, उसका भी सूरज के जैसे। हाँ, समझ गया ठकुराइन, सब कुछ ठीक हो गया है, भरत सिंह, भरत सिंह नाम है मेरा, अच्छे अच्छों का पानी निचोड़ देता हूँ, समझी ना, और सूरज की तरह ये चंद्र भी बुझ जाएगा। Oh!
उठो भाई, उठो भाई। भाई सही वक्त पर आकर तूने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत आभार। अरे नहीं नहीं, उसमें एहसान की क्या बात है, वो तो मेरा फर्ज था। पर ये लोग कौन थे, तुम्हें क्यों मार रहे थे? मुझे क्यों मार रहे थे ये तो पता नहीं, मगर आप कौन हैं? अरे हम तो बंजारे हैं, गांव गांव घूम के गाते हैं, मज्जा करते हैं। मेरा नाम मोहन है, मारवाड़ का ढोली हूँ। ये तो मर गया था, ढोली कैसे बन गया? दिल में खुशी है पर आंखों के आंसू नहीं रोक सकती। इस बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो अच्छा, बहुत चिंता होती है। चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखिए। अरे देखो आगे ढोली आगे। अरे कितना बड़ा हवेली है, वाह वाह। अरे आ जाओ चलते। जो सपने में दिख रही थी वही हवेली है। तो क्या ये हवेली मेरा घर, तो फिर ये मंडप मेरी राधा का होगा। वहीं खड़ा रहना, आगे बढ़ना मत, ढोल गले में ही रहने देना। तू अभी स्वर्ग में गया है, ऐसा इस हवेली में सबने मान लिया है। पर अचानक मुझे जिंदा देखेंगे तो मेरी माँ को कितना आनंद होगा, और मेरी माँ तो आनंद से पिघल जाएगी। नहीं, आज राधा की शादी होने वाली है, वो रुक जाएगी, रंग में भंग होगा। उससे अच्छा है कि तू इस हवेली का बेटा था वो भूल जा। अब तू है सिर्फ मारवाड़ का मोहन ढोली, मोहन ढोली, विधि के लेख, और विधि के लेख से टूटे हुए दिल के टुकड़े को भुला के जो गीत गाए वही मर्द होता है। चल उठा डंडी और बजा ढोल, मोहन बजा ढोल। ऐसे बजा, हे ढोलीड़ा ढोल तू ऐसे बजा, थके बिना तू ढोल तू बजा। हवेली में देखो आई है खुशियाँ, आके ढोल बजा। थके बिना तू ढोल तू बजा, हवेली में देखो आई है खुशियाँ, आके ढोल बजा। कुदरत के सामने तू आज हाँ झुक जा, हाँ कुदरत के सामने तू आज हाँ झुक जा। दिल के ऊपर तू पत्थर को रख ले, शादी मुबारक हो तुझको मुबारक, अपने हर सपने को जा पूरा कर ले। हे याद है दिल में बस और कुछ नहीं, जा अपनी सुनी तू दुनिया बसा ले। तेरी हवेली में खुशियाँ जो आई है, ढोली तू ढोल बजा।
हवेली में खुशियाँ जो आई है ढोली पे ढोल बजा। आते राहत में तुझको दिला दूं वो साचे कहो मैं तुझसे जो साईबा तेरे शादी में नाचूंगा मैं झूम के तेरे शादी में नाचूंगा मैं झूम के ढोली ढोल तू बजा मैं तो नाच गाऊं रे ढोलिया ढोल तू बजा मैं तो नाच गाऊं रे हवेली पे जितना तेरा हक है उतना ही मेरा भी हक है। अरे एक बार मेरी रची हुई षड्यंत्र पे तुम लोग भले ही बच गए लेकिन अब तो तुम्हें ईश्वर भी नहीं बचा सकते। ए सूरज जो मर्द है ना तो बच ले अपनी माँ को। बच तो अब तुम लोग नहीं बच सकोगे पापी लोग मेरे बेटे के हाथों से। आप मेरी माँ को संभालो। Thank you.
चंदर, चंदर मेरे भाई। मीरा, अरे बेटी, बेटी ये क्या हो गया? मैं सिर्फ दोपहर के मेहमान हूँ। मीरा, लो, मैं तुम्हारी अमरत तुम्हें सौंप रही हूँ। रंगीली ओ रानी, तू मेरी दिल जानी, तुझको ही चाहे हाँ देख ना प्यासी मेरी जवानी, हाय हाय प्यासी मेरी जवानी। गोरी दिल की बात, तेरे बिन दिन रात, सुन ले मेरी बात। दिल मेरा दिल है चोरी हो गया, 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 दिल मेरा दिल है चोरी हो गया।